गाइस, ये कहानी है 20वीं सदी के ऐसे महान संत करोली बाबा की जिनके मुरीद दुनिया के कोने कोने में हैं, और उन्हीं में से एक थे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो बताते हैं कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब वो एक बार भारत आए थे और उत्तराखंड कैची धाम के संत नीब करोली बाबा की, जिसके बाद वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे। यही नहीं, जब मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स से पूछा कि आपको काम करने की प्रेरणा कहां से मिलती है, तो स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा कि मार्क, अगर तुम मेरे जैसे ही किसी मिशन से जुड़े हुए हो तो तुम एक बार भारत में करोली बाबा के पास जरूर जाना। और ये बात मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुए एक इंटरव्यू में बताई थी। यही नहीं, बाबा के भक्तों में हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट भी शामिल हैं, जो बाद में बाबा के मार्गदर्शन से रामदास के नाम से मशहूर हुए, और उन्होंने बाबा के चमत्कारों पर एक किताब भी लिखी है, मिरेकल ऑफ लव। वैसे गाइस, कुछ तो खास बात थी हमारे नैनीताल के संत करोली बाबा में। ऐसे महान संत को मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सादर प्रणाम। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर 60 से ज्यादा परिवार के लोग करोड़पति हैं? जी हां गाइस, लगभग 3 दशक तक सूखे और गरीबी की मार झेलने के बाद महाराष्ट्र का हिवारे बाजार गांव आज देश का सबसे अमीर गांव है, और इस गांव को अमीर बनाने का पूरा श्रेय यहां के सरपंच पवार जी को जाता है। दरअसल सालों पहले पवार जी ने सूखे ग्रस्त इलाके को खेती लायक बनाने के लिए सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया, जिसमें बरसात के पानी को एक जगह इकट्ठा करके रखा गया, जो बाद में वहां के किसानों को सिंचाई में मददगार साबित हुआ और किसान एक से ज्यादा फसल उगाने लगे। वहीं उन्होंने गांव में शराब और तंबाकू को पूरी तरह से बंद करवा दिया और सबसे ज्यादा ध्यान एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम पर दिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान कोविड फ्री होने वाला ये पहला गांव भी था। गाइस, सोचिए, जब कुछ चंद बदलाव ही इस गांव को देश का सबसे अमीर गांव बना सकते हैं, तो क्या इन्हीं बदलाव से हम हमारे देश के दूसरे गांवों की तकदीर नहीं बदल सकते? इस बारे में सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं लिखिएगा जरूर। गाइस, आप सभी ने कहावत तो सुनी होगी कि सिर का सफेद बाल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस चक्कर में 10 नए सफेद बाल उगाएंगे। पर क्या ये सच है? नहीं गाइस, ये बात बिल्कुल एक मिथक है, क्योंकि सिर के बाल हमारे सिर में मौजूद फोलिकल से उगते हैं और हर एक फोलिकल से एक ही बाल उगता है, तो फिर एक फोलिकल से एक बाल टूटने पर 10 नए बाल कैसे उग सकते हैं? वहीं अगर हम बालों के कलर की बात करें तो बाल मेलानिन की वजह से काले और कुछ सफेद उगते हैं, तो फिर जब हम सफेद बाल तोड़ते हैं तो व्हाइट फोलिकल से दोबारा व्हाइट बाल ही निकलेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही। लेकिन बार बार बाल तोड़ने की वजह से फोलिकल्स कमजोर हो सकते हैं और उस जगह से दोबारा बाल ना उगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। गाइस, दुनिया का एक ऐसा खोया हुआ आविष्कार जो शायद आज पेट्रोल और डीजल की जरूरत को भी खत्म कर सकता था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। साल 1998 में स्टेनली नाम के एक शख्स ने एक ऐसी कार का आविष्कार किया था जो पीने वाली पानी से चलती थी, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कार सिर्फ 100 लीटर पानी में कश्मीर से कन्याकुमारी जितनी दूरी तय कर सकती थी। और ये कोई जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि स्टेनली ने लाइव टीवी पर आकर इस गाड़ी को चलाकर भी दिखाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आविष्कार को अभिशाप बनते देर नहीं लगती, और स्टेनली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल स्टेनली के इस आविष्कार की न्यूज जैसे ही वायरल हुई, स्टेनली को कई बड़ी बड़ी कार कंपनियों से धमकी मिलने लगी, और एक दिन इन्हीं धमकियों का नतीजा यह हुआ कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसे ड्रिंक में जहर देकर मार दिया, और इस घटना के कुछ ही घंटों बाद उसके घर पर भी चोरी हुई और उसकी कार समेत वो सारे पेपर गायब हो गए जो उस कार को फिर से बना सकते थे। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि स्टेनली का यह आविष्कार आज के वक्त में कितना फायदेमंद होता? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।